आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। ये फेक वीडियो बना रहे हैं, मोदी के भाषण को, मोदी की आवाज को उपयोग करके नई नई चीजें गढ़ रहे हैं। ऐसा झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ गई भाई आपको? जिनका चुनाव में लड़ने के लिए जगह नहीं है, वो देश पे कब्जा जमाने के सपने देख रहे हैं। साथियों, मोदी दिन रात काम करता है आपका जीवन बदलने के लिए, आपका जीवन बदलने के लिए दिन रात एक कर देता है। और ये इंडिया गाड़ी वाले मोदी को बदलने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। मैं आपका जीवन बदलना चाहता हूं, वो मुझे बदलना चाहते हैं। जिनके घोटाले मैंने रोके हैं वो मोदी पे गुस्सा करेंगे, ये बहुत स्वाभाविक है। वो मोदी को गालियां देते फिरेंगे, अनगिनत झूठे आरोप लगाएंगे। और आजकल ये दिन रात मोदी को गाली देने में लगे हैं। देश के लिए क्या करेंगे उसके लिए कुछ नहीं है। मोदी को मारो, मोदी को पीटो, मोदी को गाली दो। और ये लोग आपको कैसे कैसे डरा रहे हैं। कभी कहते हैं कि मोदी आया तो लोकतंत्र चला जाएगा, कभी कहते हैं मोदी आया तो संविधान को खत्म कर देगा, आरक्षण छीन लेगा। ऐसा झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ गई भाई आपको? क्या आपके पास सच बोलने के लिए कोई जगह नहीं बची? साथियों, आज पार्लियामेंट हो या असेंबली हो, एससी एसटी ओबीसी, सबसे ज्यादा एमएलसी बीजेपी एनडीए के, सबसे ज्यादा एमएलए बीजेपी एनडीए के, सबसे ज्यादा एमपी बीजेपी एनडीए के। अब उनको लगा ये भी चले गए। ये आज इसलिए दलित आदिवासी पिछड़े ये हमारा समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि हम जी जान से उनके कल्याण के लिए खप रहे हैं। अब इनकी हालत ये है कि झूठ नहीं चलता है तो हमारे चेहरा उसको उपयोग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। ये फेक वीडियो बना रहे हैं, मोदी के भाषण को, मोदी की आवाज को उपयोग करके नई नई चीजें गढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इतनी कंगालियत पर पहुंच गई है, उसको पराजय का भय इतना सता रहा है। और कांग्रेस वाले लिख लो, आप लाख कोशिश करो, मुझे बताइए भाई, हमारे देश में किसी भी पार्टी को सरकार बनानी है तो 272 से ज्यादा सीटें चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी को भी बहुमत चाहिए तो 272 से ज्यादा सीटें चाहिए कि नहीं चाहिए? ये इनका पूरे गठबंधन में एक भी पार्टी नहीं है जो 272 से ज्यादा चुनाव लड़ती हो। जिनका चुनाव में लड़ने के लिए जगह नहीं है, वो देश पे कब्जा जमाने के सपने देख रहे हैं। भाइयों बहनों, ये झूठ की दुकान वाले, ये जो फेक वीडियो निकाल करके तालियां बजा रहे हैं, ये इनकी दुकानें बंद होनी चाहिए।